आप क्या काम कर रहे थे? कब से वहाँ पे थे? इस्तांबुल के तालिम में लगे थे। टीम नंबर 21 सर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी सर। अंदर इन्होंने योगा कराया और लोगों को व्यस्त रखा। दो लोग थे गब्बर जी और ये, इन्होंने पूरी 41 लोगों को जो है ये भोग दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? के रहने वाले आप भी वहाँ काम कर रहे हैं? कब से रहे हैं? दो साल काम किया सर जी। दो बार गया तो कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार गया तो ये हाल हो गया सर जी। जी हिम्मत से तो बोलिए सर। सर ऊपर से तो सर हम लोग का जो क्लैप्स हुआ था टनल सर पूरा 0-0 में पैक हुआ था सर। उसमें जब एयर पास करता तो सर हम लोग के साथ सामने सर 3 बार टनल क्लैप्स किया सर। तो जब उसमें सर एयर लगना बंद हुआ तो हम लोग का सर वहां पर क्लैप्स हो गए, मतलब जो टनल था 0-0 में पैक हो गया तो सर बढ़ा नहीं फिर। तो सर मैं अपने सर्वे किया, मैंने सर सर्वेयर भी हूँ वहाँ पे, तो मैंने सर्वे किया तो मैंने देखा कि जो हम लोग का क्राउन एरिया है सर वहां से 20 से और नीचे से सर टोटल 10 मीटर डिस्टेंस स्लोप में हम लोग का सर टनल कैप्स किया है सर। तो और मैं सर बाहर भी आ रहा था सर, मैं 400 मीटर सर पीछे था। जब आवाज आया तो सर जो ऑक्सीजन की पाइप जाती है, एक डार्क पाइप बोला जाता है सर, तो मैं सोचा शायद वो डैमेज हो गया। और मैं सर जब वहां पर गया तो मेरे सामने सर वो सर मलबा आ रहा है सर। तो मुझे थोड़ा सा जगह मिला जाने के लिए, लेकिन जब मैं थोड़ा सा, मेरा एक सर असिस्टेंट था बंगाल का था सर, और उसको बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं जाके बाहर इन्फॉर्म कर दूंगा तो सभी लोग आ जाएंगे। जब मैं सर थोड़ा घूम जाने की कोशिश किया और सर आने लगा तो फिर मेरा हिम्मत टूट गया सर। तो मैं सेफ जोन में सर जो गेंट्री का लाइनर था सर वहां पर मैं चला गया सर। तो बाकी सब बंदे आ गए सर, जितने हमारे 41 मेंबर थे सर। अंदर में तो सर लेंथ जो था सर 2.5 किलोमीटर था सर, और जो उसका जो चौड़ाई था सर टोटल 14 मीटर था, और लंबाई सर पूरा 10 मीटर था। लंबा चौड़ा टनल है सर जी। सर ऑक्सीजन तो सर जैसे 2.5 किलोमीटर सर लेंथ था, इतना ही स्टॉक था सर कि हम लोग 2-3 दिन सर बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते थे। बाकी कंपनी के सर बहुत कंपनी वालों ने प्रयास किया, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी ने दिन रात सर काम किए और हम लोग को सर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया। बाकी खाने पीने के सामान सर, ड्राई फूड और जो भी चीजें सर खाने पीने से संबंधित जो पाइपलाइन सर आ जाए उसको भी देखना है सर, वो बंद ना होने तो ऑक्सीजन बंद तो हम लोग का जीवन बंद हो जाएगा सर। तो वहां पर जब खाने पीने की सामग्री आने लगी और बाहर से काम चलने लगा तो सर हम लोग को सर हौसला हो गया कि अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे सर। तो सर वहाँ जी सर लाइट तो सर हम लोग का 1 मिनट भी लाइट नहीं कटा। अंडरग्राउंडिंग केबल कंपनी वाले सर मतलब पहले से ही सब अपना करके रखे, ऐसा कोई आपदा हो तो परिस्थितियां में सर बंदे झेल सके। बाकी सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सर नरेंद्र मोदी जी सर और वहाँ के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी सर, और हमको ये अच्छा लगा कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल की खबर सर पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री सर हर पल की खबर लेते थे सर। ये हम लोग को सर जान के बहुत अच्छा लगा और उनसे बात भी हुई सर हमारा 2 मिनट के करीब। तो परिजन के बारे में पूछे तो मैं बोला सर हमें तो बात किया परिजन से, बाकी वहाँ के जो हमारे सर और एक कॉमन चीज है सर, जो नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी है वहाँ के वर्कर जो थे, मैं जब बाहर आया तो मुझे पता चला कि सर वो दिन रात काम करके वहीं पे सोते थे, बस फ्रेश होने के लिए आधे घंटे के लिए बाहर जाते थे। और जितने पीएम थे, जीएम थे और हमारे जो मामा थे सर वहाँ पे स्टोर इंचार्ज हैं श्री विजय राय जी,